ए से मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस वन में ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ए कोई नंबर हो सकता है, इस ए में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिलेगा, और ये माइनस है ये प्लस है, साइन डिफरेंट होने की वजह से इसका आंसर का साइन क्या होगा, माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बी क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री का टू नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थ्री का टू नंबर कह रहा है कि डिटरमाइन द इंटीजर हूज प्रोडक्ट विथ माइनस वन इज, बता रहा है कि आप वो इंटीजर बताइए जिसका अगर प्रोडक्ट माइनस वन के साथ करें तो आपको ए में माइनस 22 मिले, ठीक है, और बी नंबर बोल रहा है कि आप माइनस वन के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 37 मिले आंसर, और सी नंबर में बोल रहा है कि अगर आप माइनस वन को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिले, जीरो मिले, ठीक है। क्या इसका मीनिंग समझ लेते हैं, डिटरमाइन द इंटीजर हूज प्रोडक्ट विद माइनस वन, माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करना है और बोले माइनस वन यहाँ है उसको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर के साथ तो आंसर कितना आना चाहिए, माइनस 22 होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो नंबर 22 ही होगा, अगर 22 को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 22 आता है। उसी तरह अगर हम बोले वो नंबर बताइए जिसको अगर माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको आंसर कितना आना चाहिए, 37 आना चाहिए, तो यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस होगा तभी तो प्लस होगा, तो कहेंगे यहाँ पर क्या होगा हमारा वो आंसर क्या होगा, 37 होगा वो भी माइनस में, तो जाकर के वो प्लस 37 आएगा, और यहाँ बोला है कि वो नंबर बताइए अगर माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा जीरो है, तो जीरो ही होगा, तो जीरो से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को तो जीरो आता है। क्वेश्चन नंबर ये थ्री का टू कम्प्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फोर की मिटा दे इसको पहले, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है कि स्टार्टिंग From माइनस वन इंटू में फाइव राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो माइनस वन इंटू में माइनस वन इक्वल टू में वन, बता रहे कि वो सारा प्रोडक्ट बताइए माइनस वन से स्टार्ट करता है, माइनस वन इंटू में फाइव, माइनस वन इंटू में फाइव से स्टार्ट करना है और उसको लेके जाना है माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू वन तक, इसका मीनिंग ये हुआ कि माइनस वन में अगर फाइव से मल्टीप्लाई किए तो माइनस फाइव आएगा, उसी तरह अगर माइनस वन में इसको फोर कर देते हैं इसको घटा करके तो माइनस फोर आएगा, ऐसे करते करते हमको लास्ट में माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू वन तक लेके जाना है, तो माइनस वन में अगर हम बोलेंगे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री, माइनस वन में अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू, माइनस वन में अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन, उसी तरह माइनस वन में अगर जीरो से वन से छोटा जीरो होगा जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, फिर माइनस वन में जीरो से छोटा क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई तो वन हो जाएगा, यही तक तो लेके आना था क्वेश्चन बोला था, ये हमारा पैटर्न हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो पूरा पैटर्न है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करें इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, यानी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम पहले बात कर चुके हैं उसी का इस्तेमाल करने के बाद से बनाना है, क्वेश्चन में बोला है कि 26 में मल्टीप्लाई किया गया है माइनस 48 के साथ और जोड़ दिया गया माइनस 48 को मल्टीप्लाई करने के बात किसके साथ माइनस 36 के साथ, इसको आप प्रोडक्ट करना है आपको यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है उसका इस्तेमाल करने के बाद एक चीज नजर आ रहेगा माइनस 48 दोनों में, तो दोनों में से एक कॉमन कर सकते हैं, हम कह रहे हैं कि माइनस 48 को ले लेते हैं कॉमन, बचा 26, यहाँ पर माइनस 48 तो चला गया बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा जी माइनस 36 बचा हुआ, ये ना माइनस 36 बचा हुआ है, तो माइनस 36 से पहले ये प्लस है तो उसको प्लस भी लिख लिया जाए, क्या बोले माइनस 36 ऐसे बचा हुआ। अब क्या है कि ये प्लस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा माइनस 48 को ऐसे रन देते हैं, प्लस जब अंदर जाएगा तो 26 अंदर ये माइनस हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा माइनस 48 है और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वजह से दोनों से घट के जो आएगा आंसर तो घट के आएगा कितना माइनस 10 आएगा, 36 में 26 तो माइनस 10,
और माइनस माइनस प्लस हो गया और 48 पे एक जीरो आ गया, 480 आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका बी नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में बोला है कि 8 में आपको इंटू करना है 53 के साथ और इंटू कर देना माइनस 125 के साथ। ठीक है, 8 इंटू में 53 इंटू में माइनस 125। अब बता रहे हैं कि इसको सूटेबल प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल करने के बाद से ही बनाना, डायरेक्ट नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, आपके जो दिमाग में आए, मेरे दिमाग में जो आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुआ ये कौन सा प्रॉपर्टीज था भाई, तो ये था प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है कि अगर ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर ए बी प्लस में ए सी आता है, यही ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और एडिशन है उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन भी है, हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके पहले पिछले वीडियो देखिए। हम क्या करते हैं कि 8 इंटू में 53 कर देते हैं और इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, ये माइनस 125 है, इसको हम 100 और माइनस 25 में तोड़ देते हैं। ठीक है, ये दोनों को जो ऐड करें तो माइनस 125 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के 24 के 4 यानी 2, 8 में 40 और 2 42 हो गया। ठीक है, 8 के 24 के 4 में 2, 8 में 40 तो 42 इतना आ गया। अब क्या है कि इसको हम माइनस, ये 100 है ना माइनस 125, इसको अंदर डालेंगे। जब अंदर डालेंगे तो 424 माइनस में ये 2 जीरो हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस इनटू माइनस माइनस और इतना आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई तो 25 के 100, 100 का मतलब ये हुआ कि जीरो यहाँ चला गया, 100 का मतलब क्या, जीरो यहाँ चला गया और 10 कह दिया गया, 25 यानी 50, 50 और 10 60 हो गया, तो 60 का जीरो चला गया, सॉरी 60 का जो है जीरो चला गया, कैरी में 6 आ गया ना, 60 का जीरो चला गया कैरी में 6 हो गया, 25 हो गया कितना 100, 100 और जो है 6 कितना हो गया 106 चला गया। ठीक है, फिर से करके चेक करके बताते हैं, 25 के 100 जीरो कैरी 10, 25 दूनी 50, 10 60 की बाद में 6, 25 के 100 और 100 6 कितना हो गया 106 हो गया। ये दोनों के सेम डिफरेंस है कि सेम है, सेम है, इसलिए दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देंगे, 0 0 दोनों को जो ऐड कर देंगे, और 4 और 6 कितना हो गया 10, 0 हाथ में 1, 2 और 0 1, 2 0 2 में 0 जो 2 प्लस 1 है कैरी वो 3 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा है वही हमारा साइन हो जाएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा में दोनों बड़ा ये है या फिर दोनों का साइन सेम ही है, तो बड़ा देखने की क्या जरूरत है। ठीक है, माइनस साइन देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, 5 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है इसको देख लीजिए, बोला है कि 15 को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 25 के साथ और इंटू कर दीजिए माइनस 4 को किसके साथ, माइनस 10 के साथ। ठीक है, 15 को माइनस 25 के साथ इंटू करना है, फिर माइनस 4 को इंटू करना है माइनस 10 के साथ, और इसमें भी बोला है कि आपको सूटेबल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे आप क्या कीजिएगा, आपको सूटेबल प्रॉपर्टीज मिल जाए तो आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आए वो आंसर वो भी उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि ये 15 जो है, ये 15 इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, माइनस 25 के साथ। तो ऐसा कीजिए कि आप इस माइनस 25 को 20 और माइनस 5 में तोड़ दीजिए, समझ बात आ रहा है। हमने क्या किया, ये 15 को यहाँ लिखा और यहाँ पर माइनस 20 और 5 लिख दिया, और इधर जो है मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई तो 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके कितना होता है 60 होता है, और उस पर एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60 उस पर एक जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 20 और माइनस में 5। ठीक है, तो वैसे तो कोई भी प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, जो आपको प्रॉपर्टी आपको दिमाग में है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में हमको कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, देख ये जो है इसमें 5 कॉमन है, फिर भी हमने क्या किया ऐसे कर लिया। ठीक है, आप कॉमन लेकर के भी काम कर सकते हैं। तो अगर फिर इसको हम अंदर डालें तो कितना होगा आसानी से, तो जब अंदर डालिए कितना हो जाएगा, ये 2 6 12, और 12 पर 3 जीरो होगा। ठीक है, और माइनस ये साइन हो जाएगा, उसी तरह आप कर दीजिए ये माइनस ए प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 6 कितना हो जाएगा 30, और 30 पे 2 जीरो और हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों को सम कर देंगे, दोनों का डिफरेंट है, सेम साइन है तो जोड़ देंगे,
ये 12,000 है, ये 3,000 है, तो जुड़ के कितना आ जाएगा माइनस में, 15,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका डी नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है कि -41 इंटू में 102, ठीक है, बोला है कि -41 को आपको मल्टीप्लाई करना है 102 के साथ। तो -41 है यहाँ पर, उसी तरह यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे इसको 100 कर देंगे या प्लस में 2 कर देंगे। ठीक है, और जब ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -41 पे 20, और फिर अंदर जाएगा तो ये माइनस है और प्लस का माइनस हो गया, इस तरह माइनस और प्लस माइनस हो गया, और ये कितना 2 2 4, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और फिर दोनों को हम क्या कर देंगे जी, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो दो ये 2 और ये 8, ये 4 और ये माइनस में, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर मिलने का चलिएगा, आंसर मिलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, हम भी मिला देते हैं आंसर, इसका क्या कह रहा है, एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर में, ठीक है, इतना डी नंबर में, इतना ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ई नंबर, क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है, इसका देखते हैं। ये बोला है कि 625 इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -35 के साथ, और जोड़ देना है -625 को यहाँ पर किसके साथ, 65 के साथ। ठीक है, 625 इंटू -35 और प्लस -65 इंटू में 65। एक चीज नजर आ रहा है क्या, दोनों में 625 है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों को कॉमन ले लेंगे। जब दोनों को कॉमन लेंगे तो 625 यहाँ चला जाएगा, यहाँ माइनस में 100, यहाँ 35 बच जाएगा माइनस में। ठीक है, और ये चीज तो हमने निकाल लिया है, लेकिन प्लस में निकाले हैं, ध्यान रखें, तो यहाँ माइनस बच जाएगा। ठीक है, हमने प्लस में निकाला है ना, हमने यहाँ पर 625 प्लस में निकाला है और यहाँ पर माइनस में 65 है, तो चलिए इस प्लस को यहाँ लिख देते हैं, इस प्लस को हम यहाँ लिख देते हैं और माइनस में ये 1 लिख देते हैं। ठीक है, और इंटू में ये 65 है, कितना तो हो जाएगा ना, दसवन में आ रहा है आपके बाद। ठीक है, क्योंकि हमने इसको निकाला है तो ये माइनस 1 बचेगा, या फिर पूरा निकाल लिया तो आप इतना समझदार हैं तो समझिए कि -65 ही बचा हुआ है। ठीक है, वो वी के स्पीड के लिए बता रहे हैं कि -1 बचा है। अब क्या करेंगे, ये 625 है और -35 है, अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और प्लस जो मिल करके -65 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोनों का साइन क्या है जी, दोनों का साइन सेम है, सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो जुटने के बाद से क्या मिलेगा, माइनस में 100 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई है ही, ब्रैकेट का मतलब ये 625 पे 20 और माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ई का। क्वेश्चन नंबर एफ इसी तरह है, आपको बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में बता रहा है कि 7 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए ये 550 -2 के साथ, तो आपको कितने मिलेगा, तो आपको करना कुछ है नहीं, इसको अंदर डाल दीजिए। ठीक है, अंदर जब डालिएगा तो ये 7 बचे 35 पे 10। ठीक है, उसी तरह ये 7 × 14। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इतना आया, दोनों के साइन डिफरेंट होने की वजह से ये घट जाएगा। तो ये 10 में 4 गया 6 और यहाँ पर 4 कर में से गया तो 3 और ये हुआ कितना जी 3। ठीक है, इतना आंसर हमारा आ गया, एफ नंबर था। उसी तरह अगर हम बोले कि जी नंबर, इसका जी नंबर देखा जाए, बोल रहा है कि माइनस में 17 इंटू में माइनस में 29। ठीक है, माइनस में 17 इंटू माइनस 29, इसको आपको जो है सुटेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बाद बनाना है, तो जो आपके दिमाग में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों सही है, आप सुटेबल प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, बस काफी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये अगर बोले हम यहाँ पर कि -30 और प्लस में 1, तो गलत थोड़े बोल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा हमने क्या कहा यहाँ पर कि 30 में से 1 को घटा करके -29 लेके चलाएगा। ठीक है, और ये -30 क्या है, बड़ा, इसलिए इसका साइन ये हो जाएगा। अब इसको अंदर डाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया 57 51, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस में 17। ठीक है, तो अगर फिर इसको आप घटा देना चाहते हैं घटा दिए, 10 में 7 गया तो 3 और यहाँ पर कितना मतलब 0, 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ पर 493, ये हमारा आंसर हो गया ये प्लस में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये जी नंबर था, इसका आंसर मिला लिया जाए, कितना का आंसर मिला लिया जाए, क्या कह रहा है, फाइव का जी नंबर 493 सही है, ये एफ नंबर 336 सही है। ठीक है, अगला नंबर देख लिया जाए, अगला नंबर क्या कह रहा है, एच नंबर। एच क्या कह रहा है, एच बोल रहा है कि अगर आप -57 को मल्टीप्लाई करते हैं -19 के साथ, ठीक है, -57 को मल्टीप्लाई 19 के साथ,
और प्लस कर दिए 57, ठीक है, माइनस 57 इंटू में माइनस 19 और प्लस में 57, तो आपके आंसर क्या आएगा? देखिए जी, उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ इस्तेमाल करेंगे आप। हम क्या करते हैं कि माइनस 57 को ऐसे रन देते हैं, ठीक है, और एक चीज नजर आ रहा है क्या कि माइनस 57 यहाँ है और 57 भी यहाँ है, दोनों में से 57 को हम निकाल सकते हैं कॉमन। तो हम क्या करते हैं कि 57 को निकाल लेते हैं कॉमन में। 57 को जब कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, क्योंकि आपने प्लस में 57 को निकाला है, तो यहाँ माइनस 1 बचना ही बचना है, ठीक है, और इंटू में ये माइनस 19 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्त, यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि हमने प्लस में 57 निकाला है, इसलिए 1 बचा। जब इसको ऐसे करेंगे तो ये 57 हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 में 19 से मल्टीप्लाई तो 19 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है जी, ये 1 ऑलरेडी है, तो ये 57 और 19 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है क्या। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, हाथ में 1, 2 बजे 10 और 1 11, इतना आ जाएगा जी, ठीक है, 14, 4 हाथ में 1, 2 बजे 10, 11, 1140, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने जो मेरे दिमाग में फटाफट उस समय आया सूटेबल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई चाहे इसको तो माइनस 10 आप प्लस माइनस 7 नहीं लिख सकते हैं क्या, माइनस 10 माइनस 7 इसको ऐसे रहेगा, वो भी हो जाएगा। तो अभी जो हमने बात की वैसे हमने बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इसको लिख लिया जाए क्वेश्चन पहले, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स डेट रूम टेम्परेचर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लिख लिया जाए, रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, ठीक है। तो बोला है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। देखा जाए क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन कहा है कि ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, कुछ प्रोसेस है फ्रीजिंग का, यानी कि किसी चीज को ठंडा किया जा रहा है, ठीक है, कुछ खास वे में। बोला है कि ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर बी लोअर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। एक रूम टेम्परेचर है जो कि शुरुआत में 40 डिग्री सेल्सियस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है जी, स्टार्टिंग में उस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और उस 40 डिग्री सेल्सियस से उसको जो है कम किया जा रहा है, फ्रीज किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है एट द रेट ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस। किस रेट पर, तो 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, यानी कि एक घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। एक घंटा बाद अगर पूछा जाएगा तो बोलेगा 35 डिग्री सेल्सियस, दो घंटा बाद पूछेगा तो बोले 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बोला व्हाट विल द टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, यानी कि 10 घंटा बाद उसका टेम्परेचर कितना रह जाएगा, ठीक है, 10 घंटा बाद उसका टेम्परेचर कितना रह जाएगा इसको बताना है। तो अगर हम बोले कि एक घंटा में वो 5 डिग्री सेल्सियस को कम कर रहा है तो 10 घंटा में 50 डिग्री सेल्सियस को कम करेगा, तो 50 डिग्री सेल्सियस को वो कम कर देगा, ठीक है, और हमारे पास अभी है 40 डिग्री सेल्सियस, तो अभी में से 50 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना टेम्परेचर है। तो हम कह रहे हैं कि आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर, आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर इक्वल टू, मैंने 10 घंटा बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा, है ना, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है, यानी कि एक घंटा में 50 डिग्री सेल्सियस का जो रेट है यहाँ पर है ना बोल रहा है, तो उसके बाद से कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे एक घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 10 घंटा में कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा जी, तो 10 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हो जाएगा कितना 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा हो गया होगा, 10 घंटा बाद उसका टेम्परेचर कितना कम हो गया होगा जी, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया होगा, और अभी कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो आफ्टर 10 आवर्स उसका टेम्परेचर जो है कितना, क्या बोले, आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर इक्वल टू 10 घंटा बाद उसका टेम्परेचर जो है कितना रहा होगा,
कितना ये जो है 50 डिग्री सेल्सियस तो कम हो गया है ना ये, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास अभी है कितना 40 डिग्री सेल्सियस और उसमें से घट जाए कितना 5 × 10, ठीक है ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया क्या? अभी हमारे पास कितना जी 40 डिग्री सेल्सियस है और हर एक घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटा में कितना कम होगा जी 10 × 5 और अभी में से हम उसको घटाएंगे तो ही हमारा आंसर आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, 40 और माइनस में कितना हो जाएगी 50, ठीक है तो कितना आएगा जी -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ये हमारा आंसर आएगा। वैसे भी अगर हमसे पूछें कि अभी है 40 डिग्री सेल्सियस तो एक घंटा बाद 35, दो घंटा बाद कितना 30, तीन घंटा बाद कितना बचेगा जी 25 है ना, चार घंटा बाद कितना बचेगा 20 है ना, इसमें से कितना बचेगा वो हम बात कर रहे हैं। फिर 5 घंटा बाद कितना बचेगा 15, फिर 6 घंटा बाद कितना बचेगा 10, फिर 7 घंटा बाद कितना इसमें बचेगा 5 बचेगा और 8 घंटा बाद कितना बचेगा 0 हो जाएगा। 8 घंटा बाद तो 0 हो जाएगा ना, है ना 40 डिग्री सेल्सियस 8 घंटा बाद टोटल 0 हो जाएगा। तो फिर 9वां घंटा में क्या हो जाएगा -5 में घुस जाएगा क्योंकि 5 और कम होना है, फिर 10वां घंटा में क्या होगा -10 हो जाएगा, इस तरह से ये हो गया। तो ये आसान प्रोसेस है, उस वजह से करने के बहुत लोग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है क्लास टेस्ट में, 5 मार्क्स आर अवार्डेड, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड, -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड जीरो फोर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट। बताना है कि एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस मौजूद है, कितना क्वेश्चन है जी 10 क्वेश्चन मौजूद है, 5 मार्क्स जो है दिया जा रहा है हर एक सही आंसर पर, करेक्ट आंसर पर, एंड -2 मार्क्स दिया जा रहा है हर एक गलत आंसर पर, यानी कि 2 मार्क्स काट दिया जा रहा है, माइनस लगा हुआ, इसका मतलब क्या है 2 मार्क्स काट लिया जा रहा है, ठीक है इनकरेक्ट आंसर पर, और 0 मार्क्स अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए यानी कि आपने उसका जवाब ही नहीं दिया तो 0 मार्क्स है ना। आपने आपका सही जवाब दिया तो 5 मार्क्स मिलेगा और आपका जवाब गलत हुआ तो 2 मार्क्स कट जाएगा और आपने जवाब ही नहीं दिया तो 0 मार्क्स मिलेगा। तो आगे बोल रहा है इसी क्वेश्चन में, बोल रहा है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। बता रहा है कि मोहन जो है 4 करेक्ट आंसर, ठीक है एंड 6 इनकरेक्ट आंसर दिया है, तो इसका स्कोर क्या है, इसका आंसर के लिए, इसका सॉल्यूशन के लिए हम बात करेंगे। तो 4 उसने सही आंसर दिया है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, करेक्ट आंसर में कितना मार्क्स मिला है 5, ठीक है और जोड़ देना है किसके साथ 6 इनकरेक्ट आंसर के साथ, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, जो इनकरेक्ट आंसर कितना मिल रहा है करेक्ट आंसर पर, इनकरेक्ट आंसर पर, तो -2 मार्क्स मिल रहा है इससे, तो ये इसका टोटल मार्क्स होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि 4 में 5 से इंटू किया तो 20 हो जाएगा और 6 में 2 से इंटू किया तो -12 हो जाएगा, ये 20 प्लस अंदर जाएगा तो -12, ये 8 मार्क्स उसको मिलेगा जी। बात समझ में आएगा, उसको 8 मार्क्स मिलेगा किसके लिए, उसको मिलेगा इस आंसर को 4 सही देने के लिए और 6 गलत देने के लिए। वैसे भी देख लीजिए 4 जब सही दिया है तो 20 मार्क्स तो मिलना ही है, 1 पर 5 है तो 4 पर 20 हो जाएगा
और छह ठो गलत दे दिया है, तो एक पर दो गलत, एक पर दो मार्क्स कट हो रहा है, तो छह पर 12 मार्क्स कट हो जाएगा, तो 20 में से अगर हम 12 घटा दें तो 8 मार्क्स आएगा। ठीक है, इस तरह से ये आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन इसको देखा जाए, इसी का दो नंबर, ठीक है, इसी का दो नंबर देखा जाए, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का टू नंबर, 7 का टू नंबर बोला है कि रेशमा रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट इज हर स्कोर, बता रहा है कि रेशमा जो है वो 5 करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, तो व्हाट इज हर स्कोर। ठीक है, तो उसी तरह बनेगा, रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिया है तो हम क्या करेंगे कि 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स है तो 5 से, और जोड़ना है इनकरेक्ट पर 5 को इनकरेक्ट दिए है तो 5 को ही मल्टीप्लाई करना है किससे, -2 के साथ, क्योंकि 1 पर -2 मार्क्स उसको जो है मिल रहा है गलत होने पर, तो ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -10। ठीक है, तो कहेंगे तो ये 25 -10 यानी कि कितना 15 मार्क्स उसको मिलेगा, किसको, रेशमा को। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देख लीजिए, बोला है हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट्स व्हाट इज हर स्कोर। देखा जाए क्वेश्चन क्या है, हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट्स व्हाट इज हर स्कोर। हीना जो है कितना करेक्ट आंसर दिया जी, 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, उसने 2 क्वेश्चन का आंसर जो है सही दिए। ठीक है, करेक्ट आंसर 2 तो दिए हैं, तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई होगा है ना, 1 पर 5 आंसर है, 1 पर 5 नंबर है, और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -2 के साथ, क्योंकि 1 पर कितना मार्क्स है गलती पर, -2 मार्क्स है, आउट ऑफ 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन हो गया सी अटेम्प्ट्स 7 टू ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट की है, तो व्हाट इज स्कोर, इसका स्कोर क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा -10 यानी कि 0 मार्क्स, उसने कितना मार्क्स स्कोर किए, उसने 0 मार्क्स स्कोर किए। इसका आंसर देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर, ये 2 जो है क्वेश्चन नंबर है ये 8 और 15 और 0 सही है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जाए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, बोला है कि ए सीमेंट कंपनी, क्वेश्चन नंबर 8, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग, ठीक है, ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग, है ना, पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। तो ए नंबर में बोल रहा है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ
what is its profit or loss? What is its profit or loss? देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। ठीक है, एक सीमेंट का कंपनी है जो कि 8 रुपया कमाता है हर एक व्हाइट सीमेंट को बेचने पर। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट पे उसको प्रॉफिट है जी, है ना। व्हाइट सीमेंट पर प्रॉफिट कितना है जी, 8 रुपया का है ना। कितना का है, 8 रुपीज पर बैग, समझिएगा। एक बैग पर कितना रुपया उसका फायदा है, 8 रुपया का है, किस पे, व्हाइट सीमेंट पे। ठीक है, लिख दिया। एंड लॉस ऑफ 5 रुपीज, ठीक है, किस पे है जी, ग्रे सीमेंट पे। वो ग्रे सीमेंट को अगर बेचता है तो उसको लॉस होता है कितने का जी, तो 5 रुपया पर बैग पर उसका लॉस होता है। ठीक है, एक सीमेंट की कंपनी है जो बेच रहा है सीमेंट, कई कलर का आता है, कई कलर का पैकेट में आता है ना। तो जो है व्हाइट सीमेंट को अगर वो बेचता है, ठीक है, तो 8 रुपया उसको फायदा मिलता है हर एक बैग पर, है ना। और वो ग्रे सीमेंट अगर बेचता है तो उसको हर एक बैग पर 5 रुपए का लॉस होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इस पे व्हाइट वाले पे फायदा है और ग्रे वाले पे क्या है जी, लॉस है 5 रुपए का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ए में, द कंपनी सेल्स 300 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, यानी व्हाइट सीमेंट का कितना बैग उसने बेचा है, 3000, है ना, 3000 बैग व्हाइट सीमेंट का बेचा है। तो हम बोलेंगे कि उसने कितना रुपया उसका पास है, ये हम बात करेंगे। तो हम कहेंगे कि 3000 अगर बैग वो बेचता है, तो 3000 बैग जो बेचता है वो व्हाइट सीमेंट का बेचता है, तो व्हाइट सीमेंट पर मुनाफा है 8 रुपया का। तो 8 में 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको प्रॉफिट नजर आएगा। तो कहेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू 3000 को मल्टीप्लाई किसे करना जी, 8 से मल्टीप्लाई करना, तो उसका प्रॉफिट नजर आएगा, है ना। 8 3 24 पे 30, तो 24000 रुपया का उसका प्रॉफिट हुआ है, किस पे, व्हाइट सीमेंट पर। आगे वो बोला है कि 5000 बैग का वो ग्रे सीमेंट बेचता है, है ना। 5000 बैग कितना बेचता है जी, ग्रे सीमेंट, तो जाहिर से लॉस हुआ ना जी उसको, ग्रे सीमेंट पर लॉस है और व्हाइट सीमेंट पर प्रॉफिट है। तो लॉस अगर पूछे तो लॉस बोलिएगा कि 5000 बैग उसने बेचा है और हर एक बैग पर 5 रुपया का उसका क्या है जी, घाटा है, नुकसान है। तो हम क्या करेंगे, ये 25 पे 30 देखा जाए, एक मिनट, ये 24000 रुपया का फायदा हुआ और 25000 रुपया का उसका घाटा हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि टोटल सेल करने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ है घाटा हुआ, तो कहेंगे टोटल सेल करने उसको घाटा ना हो गया जी, टोटल सेल करने के बाद से 24000 रुपया का उसको फायदा हुआ है और 25000 का घाटा हो गया, तो 10000 का नुकसान उसका हो गया ना जी, सॉरी, है ना, 1000 नुकसान हो गया इसका, 25000 में 24000 का 1000 नुकसान हो गया। तो कहेंगे कि टोटल लॉस इक्वल टू, चूंकि लॉस हुआ इतना तो हमको पता लगेगा लॉस हुआ है, तो कहेंगे टोटल लॉस इक्वल टू 25000 में से हम क्या करेंगे जी, इस 24000 को घटा देंगे तो हमको 1000 रुपया का उसको लॉस समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो ग्रे सीमेंट ज्यादा बेच दिया है ना, कितना बेच दिया है, 5000 बैग बेचा है और 3000 का ही उसने व्हाइट सीमेंट बेचा है, इसलिए उसको घाटा हुआ। इसके आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या दे रहा है, 1.3 का लॉस ऑफ रुपीज 100 रुपीज, ठीक है, आंसर दिया हुआ है ना, तो लॉस इक्वल टू कितना, 1000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब बी नंबर चलते हैं, ठीक है, 8 का बी नंबर क्या है, 8 का बी, 8 का बी नंबर थोड़ा देखा जाए क्या कर रहा है, समझा देते हैं। चलिए एट का बी नंबर बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव Neither profit nor loss. If
द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स 6400 बैग्स बता रहा है कि व्हाट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इज इट मस्ट सेल टू हैव एन आइदर प्रॉफिट नॉर लॉस बोला कि व्हाइट सीमेंट का बैग कितना बेचना चाहिए जिससे कि ना ही प्रॉफिट हो ना नुकसान हो ठीक है इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड इज 6400 बैग बता रहा है कि 6400 बैग कौन क्या बेचा गया है तो ग्रे सीमेंट का 6400 बैग बेचा गया है तो ग्रे सीमेंट पर तो नुकसान है जी कितना का नुकसान है 5 रुपया का नुकसान है ग्रे सीमेंट पर ठीक है तो बोल रहा है कि भाई नुकसान तो 6400 रुपया का हो गया है 6400 बैग बेचा गया है तो 6400 बैग में एक बैग पर 5 रुपया का नुकसान है तो टोटल नुकसान हम निकाल लेते हैं है ना हम बोलेंगे कि लॉस इक्वल टू इस पे सोल्यूशन अगर इसका हम बात करें तो कहेंगे कि लॉस इक्वल टू एक बैग पे 8 रुपये का नुकसान है और हमने बेच दिया 6400 बैग ग्रे सीमेंट का तो 8 × 32 कैरी 2 8 × 48 48 और 3 कितना हो जी 51 इस पे 2 0 कितना हो गया 51200 रुपया का नुकसान हो गया लॉस है ठीक है तो इतना हमको फायदा दिखाना पड़ेगा 51200 रुपया का फायदा हमको दिखाना पड़ेगा उस क्वेश्चन ये बोला है कि कितना व्हाइट सीमेंट का बेचा जाए जिससे कि ना ही नुकसान हो और ना ही फायदा हो नाइदर लॉस नॉर गेन बताया नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ना ही फायदा हो नुकसान हो कितना हम व्हाइट सीमेंट का बेचे तो हम बोल रहे हैं कि एक व्हाइट सीमेंट पर फायदा कितना है तो एक व्हाइट सीमेंट पर 8 रुपये का फायदा है ठीक है तो अगर हम उस 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ बैग्स पता लग जाएगा ठीक है या फिर ऐसे कहे हम कि एक टोटल नंबर ऑफ बैग्स मांगा है ना क्वेश्चन क्या मांगा है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग व्हाइट सीमेंट बैग का कितना नंबर बेचा जाए है ना तो हम बोल रहे हैं कि 8 रुपया का प्रॉफिट है समझिएगा 8 रुपये का प्रॉफिट है एक बैग पर कितना बैग पर जी एक बैग पर 8 रुपया का प्रॉफिट है तो 1 रुपया का प्रॉफिट कितना हमको प्रॉफिट दिखाना है कितना ये 51200 रुपया का प्रॉफिट दिखाना है क्योंकि 51200 रुपया का लॉस हो गया है उस कंपनी को इतना रुपया का लॉस हो गया तो इतना रुपया का हमको फायदा दिखाना है तो हम बोल रहे हैं कि 8 रुपया का प्रॉफिट है एक बैग पर तो 1 रुपया का प्रॉफिट कितना बैग पर होगा जी तो कहिएगा 1/8 बैग पर होगा ठीक है तो हमको कितना प्रॉफिट दिखाना जी तो 51200 रुपया का हमको प्रॉफिट दिखाना है तो कितना बैग पर होगा निकल जाएगा तो ये यूनिटरी मेथड है क्लास 6-7 में देखे होंगे तो इतना में हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 512 है ना इतना हो जाएगा अब इसको कैंसिल कर दीजिए है ना 8 × 48 है ना 8 × 56 तो 8 × 48 है ना 48 और 48 में कितना जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे 3 इसके सामने जाएगा तो 32 उठ जाएगा तो 8 × 32 2 0 यानी कि 6400 बैग आपको बेचना पड़ेगा किसका 6400 बैग आपको बेचना पड़ेगा किसका जी व्हाइट सीमेंट का तब जाकर के ना ही मुनाफा होगा ना फायदा होगा वैसे भी हम बोले हैं कि इसको अगर 8 से डिवाइड कर दिया तो निकल जाएगा ये यूनिटरी मेथड से है इसके आंसर चेक कर लेते हैं ठीक है आंसर आप मिला लीजिएगा बहुत फायदा करता है आंसर मिलाने से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि जो हमने बनाया है वो सही बनाया है ठीक है इसका आंसर आ रहा 4000 बैग ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया जी 6 × 48 कुछ मिस्टेक है क्या सॉरी यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि लॉस तो 5 रुपये का ना जी हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें ये मिस्टेक यहाँ कर दी ठीक है हम प्रॉफिट में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट 8 रुपये का है व्हाइट सीमेंट पर और लॉस कितना है 5 रुपये का इसलिए ऐसे गलत है ठीक है तो 5 रुपये से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 रुपये से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो जब यहाँ पर आप 5 रुपये से मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये 5 रुपये से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 × 20 0 हाथ में 2 5 × 30 30 और 2 32 पे इतना 0 ठीक है 2 0 है ना 5 × 20 0 हाथ में 2 5 × 30 2 32 32 पे 2 0 यानी 3200 रुपये का आपको फायदा दिखाना होगा यहाँ पर इतना नहीं होगा ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये 3200 32000 है ना 32000 रुपया का आपको
क्या करना, फायदा दिखाना होगा। तो जैसे इसी पते 32,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, तो कहेंगे यहाँ पर 32,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8 × 4 = 32 आ गया 4,000। करें आंसर कैसे गलत आ गया, तो कहेंगे 4,000 बैग को हमको बेचना पड़ेगा, 5,000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर एक मिस्टेक होने की वजह से आंसर गलत आ रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा, है ना। तो 8 रुपया फायदा है और 5 रुपये का नुकसान है ग्रेस पीरियड पर, तो इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से नहीं। यहाँ पर हमको लॉस के बारे में बात हो रहा है ना जी, लॉस कितना हुआ, 6400 बैग बेचा गया किसका, ग्रेस सीमेंट का, तो ग्रेस सीमेंट पर लॉस कितना है, तो ग्रेस सीमेंट पर लॉस कितना है जी 5 रुपये, तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई की, ठीक है। मिस्टेकली वहां पर 8 हो गया था, चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन बचा उसको भी देख लिया जाए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा बेटा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ए में क्या करा, बोला है कि 9 नंबर पर लिख दिया, क्या करना है, बोला है कि रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर, विथ एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट, है ना। बोला है कि जो ब्लैंक स्पेस है खाली जगह उसको आपको भरना है। ए नंबर बोल रहा है कि -3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 27 हो जाए, ठीक है। तो अगर हमसे पूछते हैं कि -3 को किसी से मल्टीप्लाई किया जाए 27 हो जाए, तो आपके आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस ही होगा, जो भी होगा, चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही होगा, और यहाँ पर 9 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 27 हो जाए, ठीक है। उसी तरह अगर बी नंबर देखें तो बी नंबर बोला 5 में किस चीज से मल्टीप्लाई आप कीजिएगा कि माइनस में 35 आ जाए, ठीक है, माइनस में 35, 5 में किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा 35। अगर हम आपसे पूछते हैं यहाँ प्लस है तो माइनस ही होगा, कुछ भी होगा तो माइनस होता है, कि माइनस हमको लगाना है तो 5 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -35 होता है, ठीक है। उसी तरह अगर सी नंबर बोले आपसे यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि माइनस में 56 हो जाए, तो कहिएगा कि यहाँ पर जो है माइनस है और यहाँ पर कुछ भी नहीं और यहाँ माइनस लाना है, तो यहाँ पर जाहिर है प्लस ही होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या नंबर होगा जी, 7वां नंबर होगा, 7 × 56 होता है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर डी नंबर बोल रहा है कि यहाँ पर किस चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें ताकि 132 हो जाए, समझिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें किस से मल्टीप्लाई कीजिएगा -12 में कि 132 हो जाए, 132 चूंकि प्लस में दिया होगा, 132 किस में दिया जी, प्लस में दिया होगा, तो यहाँ पर क्या रखा जाए कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 132 हो जाए। तो क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन जब 12 नंबर आ जाए कि हमको याद नहीं आ रहा है, हम टेबल में भी 132 नहीं आया था कि 12 में किसी से मल्टीप्लाई किया 132, जब 12 दहा हुआ 120 होता है, 12 में 10 से मिलता है 120 होगा, तो ये आगे में निकल गया, 10 से आगे टेबल में नहीं है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में अगर हमसे कहते हैं कि अगर आप यहाँ x मान लीजिए तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप x कभी निकालना चाहते हैं ये मल्टीप्लाई में है तो 132 है, ये चला जाएगा माइनस डिवाइड में, जाएगा कि नहीं डिवाइड में, ये इनटू में है इधर डिवाइड में जाएगा, क्लास 7 क्लास 6 में तो सीखे ही होंगे आप लोग, इसको आप कैंसिल कीजिए आप, ठीक है। तो 2 × 6 = 12, ठीक है, और 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और हम कहें फिर से इसको 6 × 6 = 6, ठीक है, और ये माइनस हमेशा इसके साथ चला जाएगा, तो x के वैल्यू कितना है, x के वैल्यू है -11, ठीक है, ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, x के वैल्यू -11, इसका मतलब है यहाँ पर क्या होना चाहिए, -11 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त, ठीक है, इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अगला जो एक्सरसाइज है इसको देखा जाएगा, कुछ डिवीजन का प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स के डिवीजन का, उसके बाद से एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट एक्सरसाइज है। तो हम समझते हैं कि और एक क्लास में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, लेसन नंबर 1 मात्र एक और क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन अगर हो समझने में तो आप हमको कमेंट्स करके बताइए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।